अभी मैं निकल रहा हूँ रात की चढ़ाई के लिए जो गिरनार पर्वत है उस पर। तो मुझे एक रिक्शा वाले मिल गए जो मुझे छोड़ देंगे, यासिन नाम है उनका। मैं सोचता था कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ही मुझे नीचे मिल गए मेरा नसीब से। तो अभी मैं निकलूँगा। रात को तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अंधेरा ही रहेगा जाते जाते, बट अगर किधर थोड़ा लाइट रहेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा और एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो सुबह 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। देखते हैं कैसे होता है। मैं भी बहुत दिनों बाद इतनी चढ़ाई करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे ट्रैकिंग करके। तो देखते हैं अभी कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ अभी मेरे दोस्त के पास। मेरी जो दोस्त है वो मेरा वेट कर रही है, भारत आश्रम करके है। गिरनार पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के जूनागढ़ के पास बसा हुआ एक पर्वत, एक ऐसा पर्वत जो हिमालय से भी पुराना है। इस पर्वत के शिखर पर बना हुआ है श्री दत्त गुरु भगवान का मंदिर। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चढ़ने के लिए। बदलापुर से दुर्गा मल्लार करके एक ट्रैवल कंपनी है, तो उनके साथ ही मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ एक मंदिर है स्वामी समर्थ मंदिर गिरनार। यहाँ पे नारियल अर्पण करके ही आगे निकलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है, पहले में बोलते हैं पहली पायरी, पूजा करते हैं उसके बाद ही ऊपर निकलते हैं। तो ये आपको बता दूँ कि अगर आप गिरनार आ रहे हो तो ये फर्स्ट जो स्टेप है, उधर एक मंदिर है, वो मंदिर देखने के बाद ही आपको आगे निकलना। इसी तरह नारियल अर्पण करके और भगवान का नामस्मरण करके हम हमारी चढ़ाई शुरू करते हैं। ये चढ़ाई कुल 5 घंटे की होने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि दत्तगुरु भगवान यहाँ रहते थे और अपना ध्यान करते थे, इसलिए इस जगह को हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, कहीं कहीं जगह पर ये बहुत ही खड़ी हो जाती है। तो आज हम चढ़ने वाले हैं इसी पहाड़ के शिखर तक, जहाँ दत्तगुरु भगवान का मंदिर है, जो कि अपने आप में ही एक अलग अनुभव होगा। अभी तक हम लोगों ने 15% रास्ता भी कवर नहीं किया है, पूरा पसीना पसीना आ रहा है। तो अभी चढ़े हुए हमको 1 घंटा 15 मिनट हो गया है, और 1.5 घंटे में सिर्फ ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes में हम लोगों ने सिर्फ 15% रास्ता ही कवर किया। तो अभी आपको मिलता हूँ सीधा आगे में। अभी हमारा 1200 स्टेप्स कंप्लीट हुआ है, और हम नींबू पानी पीने के लिए, इधर एक चाचा है जो नींबू पानी बेचते हैं। बराबर 1200 स्टेप्स आपका जब कंप्लीट होगा उधर ही आपको ये शॉप मिलेगी। तो 1200 स्टेप कंप्लीट करने के बाद एक शॉप आता है, ये चाचा का शॉप है। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर, मेरे को सब गोबर भाई बोलते हैं। इनका नाम है गोबर भाई। तो आपको कभी गिरनार आए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ज़रूरत पड़े, तो आपकी निस्वार्थ भाव से ये सेवा करेंगे, आपको जैसे भी अरेंजमेंट चाहिए वो करके देंगे। तो अगर आप आते हो यहाँ पे तो 1200 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये शॉप मिलेगी, तो आप इधर ज़रूर रुकिएगा। मेरे को इधर सब बोलते हैं गोबर भाई चाय वाले, तो ज़रूर इधर चाय भी है, नींबू शरबत भी है, दोनों आप पी सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आगे निकलते हैं, अभी आते वक्त फिर से मिलते हैं। पहले 3000 सीढ़ियाँ चढ़ने तक बारिश ही नहीं थी, और उसके बाद जो बारिश चालू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उस वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाया, उसके लिए आपकी माफ़ी मांगता हूँ। तो अभी हम लोग ने 70% रास्ता कवर कर लिया है,
चाय पीने के लिए रुके, बहुत ज़ोर से बारिश हुई, बट अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और चढ़ने के लिए भी थोड़ा इजी था, नहीं तो रेनकोट डाल के बहुत गर्म हो रहा था। तो अभी अंबाजी मंदिर पहुंच गए, इसके बाद और एक 1.5 घंटे का रास्ता है, स्टीप इंक्लाइन था ये अंबाजी तक, तो ये तो पार कर लिया। इसके बाद थोड़ा इजी है, इतना भी इजी नहीं है बट थोड़ा सा इजी है। अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि कंटिन्यूसली चला नहीं जा रहा है, बहुत हवा है, बहुत बारिश है, तो इधर अभी 10 मिनट हम लोग रुकेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके पहले गोरक्षनाथ टेम्पल आएगा 700-800 स्टेप्स चलने के बाद, तो अभी मैं आपको सीधा मिलूंगा गोरक्षनाथ टेम्पल में, उसके बाद फिर उसके उधर रुकेंगे 5-10 मिनट और उसके आगे फिर अराउंड 2000 स्टेप्स है और 2000 स्टेप्स है, उसके बाद ही हम लोग सबसे ऊपर पहुँचेंगे कि उधर तो भगवान का मंदिर है। तो अभी आपको मैं मिलता हूँ गोरक्षनाथ टेम्पल। तो और एक चीज़ पता चली है कि इस हम लोग ने अभी तक सिर्फ 60% रास्ता कवर किया है और 40% रास्ता बाकी है। मुझे लगा एटलीस्ट हम लोग ने 80% तो कवर किया रहेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा और ही चलना, इतना चल दिए तो और थोड़ा चलेंगे बट पूरा करके रहेंगे। गोरक्षनाथ टेम्पल पहुँच गए हम लोग, अभी इधर से और मुझे लगता है 1.5 आवर्स का रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, फिर सत्य भगवान के मंदिर तक, उनके जो पादुका है चरण है उधर है, उसका दर्शन लेके जाएंगे। तो अभी सीधा मैं आपको मिलता हूँ वही लोकेशन पे सबसे ऊपर। तो अभी जस्ट दत्त भगवान के हम लोग दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। माफ़ करना मैं आपको उसके अंदर का नहीं दिखा सकता क्योंकि उधर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बट कुछ गूगल में पिक्चर्स है मंदिर के, वो मैं ज़रूर डालूँगा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए कि मैं अब अंदर का आपको नज़र नहीं दिखा। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे, तो यहाँ है ऊपर एकदम टॉप में दत्त भगवान का मंदिर और ये ऊपर जाने का रास्ता। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दत्त भगवान के दर्शन लेना एक अद्भुत और दिव्य अनुभव था, और मैं खुशकिस्मत था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे उनका दर्शन मिला। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप 500 स्टेप नीचे आते हो आपको कमंडलू कुंड मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पे अपना कमंडलू फेंका और पहाड़ के काले पत्थरों से गंगा निकली। ये उन्होंने इसलिए किया कि जो उनके शरण में आते हैं या दर्शन के लिए आते हैं उनको पानी की कोई कमी ना हो, क्योंकि ये जगह पहाड़ के ऊपर बसी हुई है और यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था, और उन्होंने यहाँ पे एक पवित्र अग्नि की भी शुरुआत की जो आज तक प्रज्वलित है। यहाँ एक प्रसादालय भी है जहाँ पे आपको प्रसाद भी मिलेगा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, और हम वही प्रसाद खा के वही दिव्य अनुभव लेके हमारी वापसी की यात्रा शुरुआत की। आपको बता दूँ कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि चढ़ना तो बहुत आसान था बट उतरना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर भगवान ने हमको शक्ति दी कि हम ये चीज़ कर सकें। प्रसाद दिया जाता है भगवान के इधर ऊपर से मंदिर का नीचा हो गया थोड़ा, तो उधर ही प्रसादालय है, तो आपको इधर का प्रसाद भी मिल जाएगा, बट ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी है। और जब हम नीचे उतर रहे थे हवा और बारिश इतनी तेज हो गई थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था, जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, पर सरप्राइजिंगली सारे लोगों ने एक लाइन बनाई और एक दूसरे को पकड़ के वो रास्ता पार किया। यही होती है एकता की शक्ति।
और विश्वास जो हम लोग इधर से लेके जा रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग ने 90% डिस्टेंस कवर कर लिया है। हम लोग उतर रहे थे, कितना टाइम लगा हमको उतरने के लिए उधर से? डेढ़। सो ऑलमोस्ट 1.5 and 2 hours में हम लोग नीचे उतरे। बाकी ग्रुप है वो पीछे है, हम लोग दोनों आगे आ गए। चढ़ने से ज़्यादा उतरने में मेहनत लगा, सच बोलता हूँ। तो अभी हमारे ये यात्रा है गिरनार की, दत्त मंदिर की, वो ख़त्म हो रही है। आखिर के कुछ 50 स्टेप्स रह गए, तो मैं आपको उतरने के बाद, पूरा उतरने के बाद मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा था कैसा नहीं था। तो आप अपना ट्रिप नेक्स्ट टाइम प्लान कर सकते हैं यहाँ। और ये वही जगह है जहाँ पे हमने शुरुआत की थी हमारी यात्रा की, श्री स्वामी समर्थ मंदिर गिरनार। ये यात्रा बहुत ही अच्छी थी हमारी। यहाँ तक उतर तो गया था बट मेरे पैरों की हालत बहुत खराब थी। मेरा होटल तो थोड़ा दूर ही था बट पास में ही दुर्गा मल्लार की टीम रुकी हुई थी भारत आश्रम में, तो मैं भी उनके साथ थोड़ी देर वहाँ आराम करने जाता हूँ। ये है भारत आश्रम, गिरनार पर्वत के एकदम नीचे बसा हुआ। गिरनार पर्वत चढ़ के आने के बाद जरूरत थी तो गरम गरम खाने की, और इस आश्रम में मुझे वो मिला बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल स्वादिष्ट। मानो दत्त भगवान ने हमें प्रसाद दिया हो उनसे मिलके आने के लिए। आप यहाँ आए तो भारत आश्रम में आप जरूर खाना खाना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है, जो कि फ्री है लोगों की सेवा के लिए। तो इधर का खाना खा के मैं निकल पड़ा मेरे होटल रूम की ओर थोड़ी देर आराम कर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की तारीख है 15 जुलाई और मैं अभी भी जूनागढ़ में हूँ, क्योंकि परसों जो गिरनार पर्वत चढ़ के आया था, स्टीप इनक्लाइन करके आया था, 10,000 steps चढ़ के आया था मैं, उससे मेरे पैर की हालत ख़राब हो गई। पैर का हर एक मसल दुख रहा है, बट अभी मैं रुक नहीं सकता एक जगह पर, फिर भी एक दिन रेस्ट किया हूँ मैंने। अभी भी 50% रिकवरी हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कुछ चल पाऊँगा। तो इधर बाजू में ही है GSRTC का बस स्टॉप, तो मैंने GSRTC की बस बुक की है, AC बस, जो मुझे पहुँचाएगी सोमनाथ। यहाँ से 1:30 की बस है दोपहर की, मुझे पहुँचाएगी 4 बजे तक। तो टोटल 95 किलोमीटर्स का रास्ता है और इसका प्राइस है ओनली 130 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, जस्ट 130 रुपीज़ फॉर AC बस। तो मैं आपको उस AC बस में बैठ के रिव्यू देता हूँ कि कैसा है, तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो ये AC बस आप बुक कर सकते हो, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो मैं आपको एक्चुअली रूम टूर देना भूल गया था, तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक रूम टूर देता हूँ। निकलते मैं उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि एक रूम मुझे ओपन करके दीजिए जो साफ है। यहाँ पे आपको एक बेड मिलता है क्वीन साइज, यहाँ पे आपको एक सोफ़ा मिलता है, और ये स्टडी टेबल, ये आपको TV मिलेगा, और यहाँ से ये व्यू है गिरनार पर्वत का। एक मिरर आपको यहाँ मिल जाता है, और फिर मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ एक बार। ये है बाथरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये है शॉवर एरिया भी दिया गया है, जहाँ पे कबोर्ड है। ये है ड्रेसिंग एरिया। तो ऐसा था कुछ मेरा रूम,
बहुत ही खूबसूरत रूम है, ऐसा लग रहा है कि ये नया नया बना है, कुछ नया ही बना है। यहाँ के स्टाफ स्पेशली बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ सोमनाथ के लिए, तो अभी सीधा आपको मिलता हूँ मैं बस स्टॉप पे। तो आधे घंटे के डिले से बस आ चुकी है अभी।